أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सब लोग? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम मद का मद्दात का मौजू पढ़ रहे हैं और हमने मद्दात के मौजू में ये देखा कि मद कहते हैं लंबा करने को। तजवीद के कवायद में मद कहते हैं हरूफ को लंबा करके पढ़ने को। तो मद की दो बुनियादी किस्में हो जाती हैं, असली मद और फरकी मद। असली मद को तबई और हकीकी मद भी कहते हैं, रियल मद, बेसिक मद, प्राइमरी मद, और मद फरी को सानवी मद भी कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी मद। मद असली की दो किस्में हैं, हरूफ मद्दा की मद और हरूफ लीन की मद। ये हरूफ की वजह से होती है, दो हरकतें लंबा किया जाता है इनको, वक्फन हो या वसलन। और जो फरी मद है यानी सानवी मद, वो है मद वाजिब, मद जायज, मद लाजिम और मद आरिस। चार किस्में बुनियादी तौर पर, फिर आगे उनकी काइंड्स आ जाती है। हमने मद वाजिब और मद जायज को देखा था। अगर हरफ मद्दा के बाद हमजा आए और ये दोनों चीजें एक ही लफ्ज के अंदर हो तो मद वाजिब मुतसिल बनती है, और अगर हरफ मद्दा के बाद हमजा आए और हमजा दूसरे लफ्ज में हो, मद पहले लफ्ज में और हमजा दूसरे लफ्ज में हो, तो मद जायज मुनफसिल बनती है। दोनों की मकदार चार हरकात या दो अलिफ के बराबर, ठीक है। ये हो गया हमारे पिछले सबक का खुलासा। अब हम चलते हैं मद्दे लाजिम पर। वैसे देखने में मद्दे लाजिम बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन मद्दे लाजिम मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इंशाल्लाह आसानी से आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मद्दे लाजिम कौन सी मद होती है? मद्दे लाजिम वो मद है जिसमें हरफ मद्दा या हरूफ लीन के बाद सकून या तशदीद आ जाता है। ये इनकी जामे तारीफ है, फिर इसकी काइंड्स आती हैं। मद्दे लाजिम वो मद है जब हरूफ मद्दा या हरूफ लीन के बाद सकून या तशदीद आ जाए। मद्दे लाजिम वो मद है जब हरूफ मद्दा या हरूफ लीन के बाद सकून या तशदीद आ जाए। ये है मद लाजिम। अब मद लाजिम की पांच किस्में हैं, टाइप्स हैं। नाम बड़े बड़े और मुश्किल मुश्किल लगते हैं इनके, लेकिन दरअसल ये आसान है। आप सबके पास, मैंने आप लोगों से कौलुस सदीद की बुक शेयर की थी ग्रुप में, याद है जी? आपने कभी उसको खोला, यूज किया, देखा? जी, अभी मेरे पास प्रिंटेड है। सॉरी, आवाज नहीं आई मुझे। मेरे पास ये बुक मौजूद है जी, प्रिंटेड भी मौजूद है, मोबाइल में भी प्रिंटेड है, मेरे पास मोबाइल में भी मौजूद है। तो अगर आप लोग उसको खोलेंगे तो आपको उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई आसान अंदाज में इसी तरह मिल जाएंगी। यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि ये आपको कौलुस सदीद में इसकी एग्जाम्पल और चीजें आपको मैसर हो जाएंगी इंशाल्लाह, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो बात हम कर रहे हैं
मद्दे लाजिम की। मद्दे लाजिम में मैंने अभी क्या अर्ज किया, हरूफ मद्दा या हरूफ लीम के बाद सकून या तशदीद आ जाए। अब इसके थोड़ी सी शक्लें बन जाती हैं, कुछ टाइप्स बन जाती हैं। मद्दा और लीम के साथ आते हुए सकून और तशदीद के थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी टाइप्स बनती हैं। और इसकी टाइप्स बनती हैं जी 5। उन्हीं को भी हम देखेंगे। मैं एक्चुअली एक मिनट आपके लिए कोलू सदीद खोल रही हूं, ताकि देखते हुए करते हुए आपको ज्यादा आसानी महसूस हो। बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना है। जी ये जी कौलुस सदीद का पेज जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं मद्दे लाजिम की काइंड्स हैं। मद्दे लाजिम कौन सी है? मद्दे लाजिम की डेफिनेशन है वो मद जो हरूफ मद्दा और लीन के बाद सकून या तशदीद की वजह से बने। अब इसकी कुछ किस्में आ जाती, ठीक है। जैसे पहली मद आप देख रहे हैं, मद्दे लाजिम कलमी मुखफ्फफ, बहुत भारी नाम है लेकिन मामला कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। अभी आपको जब समझ आएगी तो आप कहेंगे अच्छा ये मद है। मद्दे लाजिम, वो मद्दे लाजिम, ये तो मद्दे लाजिम तो सारी है ना, तो मद्दे लाजिम कलमी जो हरूफ पर हो, कलीमा हर्फ को कहते हैं ना, मुखफ्फफ हल्की मद होना, ठीक है, मद की शिद्दत कम होना, तो वो मद जो कलमे पर है और मुखफ्फफ है यानी थोड़ी हल्की है। मद्दे लाजिम की मिकदार 6 हरकतें हैं, तूल वाली मद्दे हैं, ये सबसे बड़ी मद है। ये कब होती है? जब हरूफे मद्दा के बाद हरूफे मुकत्यात में सकून हो, ठीक है, हरूफे मद्दा के बाद हरूफे मुकत्यात में सकून हो। एक तो उन्होंने अलान की मिसाल दी हुई है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है ना, जैसे जो आपके हरूफे मुकत्यात आते हैं, जैसे नून वल कलम, नून वल कलम, अच्छा नून जो लिखा जाता है वो नून पेश वाओ और फिर नून गुन्ना। नून जो हर्फ है उसका नाम तो ऐसे लिखा जाता है ना, नून पेश वाओ नू और नून गुन्ना नून। तो नून के अपने अंदर ये कलमी मुखफ्फफ मद है, नून। समझ आई? और हा मीम जो आप हरूफे मुकत्यात पढ़ते हैं, हा मीम, तो हा के ऊपर खड़ा जबर होता है ना, अलिफ मद है और उसके बाद
फिर मीम है, तो मीम में भी यही है कि मीम जेर ये मी और मीम साकिन मीम, तो मीम जेर या मी, तो या जो है वो मद है और उसके बाद मीम साकिन है, तो मीम को भी हम छह हरकतें लंबा पढ़ते हैं, ये जितने भी हमारे लेटर्स है ना अरबी के अल्फाबेट है, और उनमें जो तीन लफ्जों वाले हैं अगर उनमें मद हो तो हम इसीलिए लंबा पढ़ते हैं, जैसे शी, समझ आई। तो हरूफ मुकत्तियात में आमतौर पर ये बात है कि जो आपके लेटर्स हैं अलग अलग लेटर्स हैं उनका जो नाम है उसमें अगर हरफे मद्दा के बाद सकून आ जाए, अगला हर्फ साकिन आ जाए, तो वहां हम उस हर्फ को छह हरकतों के बराबर लंबा करते हैं, जैसे जैसे सी, ठीक है, ऑफ, सौद, सूरह सौद जो है, सौद ही है ना, उसे लंबा नहीं करते, सौद, ये सारे एक्चुअली लेटर्स हैं और ये लेटर्स के नेम हैं, मगर लेटर्स के जो नाम हैं अरबी लेटर्स के जो नाम हैं उनको जब आप लिखते हैं, नाम को लिखते हैं, तो उसके लिखने में मद आती है और मद के बाद अगला हर्फ सुकून वाला आ जाता है, सुकून वाला आ जाता है, तो आप छह हरकतों के बराबर तीन अल्फों के बराबर मद करते हैं, उसे तूल देते हैं, समझ आ गई। ये आन में भी उन्होंने यही बताया है कि हमजा है और उसके बाद नून है, अगर सकून है नून पर रोकेंगे तो अल आन छह हरकतें करेंगे, मगर ये जरा दूर की मिसाल है, सीधी मिसाल ये सारे जो लेटर्स हैं वो आपकी मिसाल है, और इनकी ज्यादा बड़ी मिसाल आ जाती है उस वक्त जब आप सूरतों के हरूफ मुकत्तियात देखते हैं, जैसे या सी, सौद, नून, करते हैं ना छे छे हरकतें मद के ऊपर, छे छे हरकत की मद करते हैं, ये बात समझ आई है, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, बात बिल्कुल आसान है। अरबी के जो अल्फाबेट हैं उनमें जिन के नाम लिखने में इस तरह है के दरमियान में हरफे मद आता है और हरफे मद के बाद अगला लेटर जो है वो साकिन है, जब हम उनको प्रनाउंस करते हैं तो हम उन पर छह हरकतों की मद करते हैं। जी हिना सरवर क्या कह रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला। मैम आपके पेज में ड्रॉ की ऑप्शन है जिसपे पेंसिल बनी हुई है, क्या आप उसको खोल के लिख सकती हैं जो आप एक्सप्लेन कर रही हैं, जैसे नून वा नून है, मेबी उससे शायद इनको हम सबको बेहतर समझ आ जाए। इस पे लिखना बहुत मुश्किल लगता है मुझे तो वैसे, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। ये ले, मैंने यहाँ पूरी बार ही खींच ली है। मैं आपको लिखकर ना ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। अच्छा चले, पेंसिल आ ही गई है। एहो जी लिखिया जाना जे फिर इस पे। मैं किरण नवीद लिख रही है इधर मैसेज के अंदर, चैट के अंदर ना, वो टाइप करके लिख रही हूँ। हाँ जी अभी देखिए जो लेटर नून है ये उसका नाम है ना, नून पेश वाओ, नून पेश वाओ नून साकिन, तो ये वाओ मद है, नून पेश वाओ नू, नून साकिन नून,
तो ये हर्फे मद के बाद सकून आ गया ना अगले लेटर पर, बस इसी का नाम जो है वो है जी हर्फी मुखफ्फ। ठीक है कि हर्फ के ऊपर जब हर्फ मद्दा आया और उसके बाद अगला हर्फ साकिन हो गया तो हर्फ मद्दा को हम दो हरकतों के बराबर नहीं, छह हरकतों के बराबर लंबा करेंगे। मैम आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही जी। ये जो सीन है ये आप देखिए, सीन का भी यही मामला है, सीन जेरिया सी नून साकिन, तो या मद है ना, तो या मद के बाद जब साकिन हर्फ आ गया, जबकि हम अलग अलग हरूफ के नाम पढ़ रहे हैं और हम उन्हीं को जो है वो देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम या मद को छह हरकतों के बराबर लंबा करेंगे। सी अगर आपको याद हो तो जब हमने अलिफ के अलिफ बा की तख्ती यानी हरूफ तहजी पढ़े थे तो मैंने आपको कहा था कि जो तीन तीन लेटर्स के साथ मिलकर नाम बन रहे हैं आप उनको लंबा करेंगे, ज्यादा लंबा करेंगे। सौद दौद ऑफ, खौ को आप दो हरकत के बराबर ही लंबा करेंगे, खौ, क्योंकि उसमें सादी मद है। तो जब किसी अरबी हरूफ तहज्जी के नाम को आप तीन हरफों में पाए और देखें कि दरमियान वाले हर्फ पर मद है और उसके बाद साकिन लेटर आ रहा है, तो जो मद वाला हर्फ से छह हरकतों के बराबर लंबा करेंगे। तो कुरान में ये कहां कहां पढ़ा जाता है, जहां जहां हरूफ मुकत्तियात इस तरह आते हैं, जैसे अलिफ लाम को आप लंबा नहीं ना करते, अलिफ लाम सूरह बकरा जब शुरू होती है आप करते हैं अलिफ लाम मीम, मीम को छह हरकतें देते हैं, मीम के ऊपर बड़ी मद पड़ी होती है, क्यों पड़ी होती है, मीम के नाम की वजह से। अच्छा यासीन आप सूरह यासीन में करते हैं तो या पे जो है वो खड़ा जो है जबर है उसको आप लंबा करते हैं आम मद, या और सीन को, सीन उस पे बड़ी मद है सीन के नाम की वजह से। तो ये आप इसी वजह से करते हैं। इसी तरह सूरह सौद में शुरू में सौद आता है तो आप उसे भी लंबा करते हैं सौद, सूरह कलम के शुरू में नून आता है तो आप उसे भी पूरी छह हरकतें देते हैं नून, और हा मीम में भी हा को आप छोटा रखते हैं मीम को लंबा करते हैं। तो ये सारा यही उसूल है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जो आपको समझ नहीं आया उसको पूछिए। जी जी आयशा पूछिए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला।
मैं ये पूछना चाह रही थी कि सिर्फ ये हरूफ मुकत्तियात के लिए है, फिर ये वाली जो है पहली वाली टाइप असल में ये है तो लेटर्स के लिए। कुरान में कहां यूज होगा हरूफ मुकत्तियात, क्योंकि सिंपल लेटर्स आने ही हरूफ मुकत्तियात में है ना। जी ठीक है, सही है। और इसके अलावा अगर हम हरूफ आपने पहले जो बताया मद लाजिम, वो मद जो हरूफ मद्दा के बाद सकून या तशदीद से बने, हरूफ मद्दा तो, या लीन के बाद सकून या तशदीद हो, ठीक है ना जी। अब उसकी काइंड्स आ गई, तो मद लाजिम की एक काइंड है कलमी मुखफ्फ, हरफी मुखफ्फ। अभी हम सारी काइंड्स देख रहे हैं, अभी हमने पहली किस्म देखी, ये है हरफी मुखफ्फ, इसका ताल्लुक सिर्फ हरूफ के साथ है, अल्फाबेट के साथ है। तो जब आप अलिफ बे पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, असल में हमें पता नहीं था जब हम बच्चे थे तो हमने तो एक ही जैसा पढ़ा, अलिफ बा ता सा इसी तरह पढ़ लिया, लेकिन ऐसे नहीं है। अलिफ लंबा नहीं होगा क्योंकि अलिफ में ना मद है ना कुछ है अलिफ, मगर बा थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि उसमें मद असली है, बा अलिफ बा है, ता अलिफ ता है, तो ये दो हरकतों के बराबर लंबे होंगे, बा ता सा, ठीक है। अब जीम छह हरकतों के बराबर लंबा होगा क्योंकि या मद्दा के बाद मीम साकिन है, जीम हा फिर दो हरकतें लंबा होगा क्योंकि उसमें मद्दे असली है, खा में भी मद्दे असली है, दाल में भी मद्दे असली है, जाल में भी मद्दे असली है, रा में भी मद्दे असली है, जा में भी मद्दे असली है, सीन में फिर मद्दे लाजिम हरफी मुखफ्फ। मद्दे लाजिम तो इसका कॉमन नाम है ना, कौन सी है ये जी, पूरा याद लफ्ज याद करेंगे, मद्दे लाजिम हरफी मुखफ्फ। और अगर आपको पता है मद्दे लाजिम का टॉपिक पढ़े तो हरफी मुखफ्फ छह हरकतें लंबी है, सीन शीन सौद दौद, तो में फिर मद्दे असली आ गई, जो में फिर मद्दे असली आ गई, आईन ओइन, ये जो है ये फिर लंबे होंगे, मगर ये चार हरकतों के बराबर लंबे होते हैं आमतौर पर, इनमें लीन पाया जाता है, इनमें मद नहीं है, ठीक है। लिहाजा आइन ओइन ये तवस्सुत है, फा में फिर मद्दे असली आ जाती है, ऑफ फिर मद्दे हरफी मुखफ्फ आ गई, कैफ हरफी मुखफ्फ, लाम हरफी मुखफ्फ, नून हरफी मुखफ्फ, वाव वाव में हरफी मुखफ्फ नहीं होगी, वाव में फिर असली मद जितना ही, वाव क्यों, क्योंकि जो वाव है वो साकिन नहीं है, बाद वाला वा अलिफ और फिर वाओ साकिन नहीं है, वाओ वाव नहीं पढ़ सकते आप इसको, हा में मध्य असली है, या में भी मध्य असली है, तो ये असल में है ही सारे हर्फ जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, इनमें है ही छह हरकतों की मद, यानी कि हरफी मुखफ्फ। अब ये जहां भी कुरान में आएंगे ये इसी तरह पढ़े जाएंगे। अब चूंकि हम ना हमारी असल तख्ती ठीक नहीं होती तो हम कहते हैं ये मद क्यों हो रही है, हमें समझ नहीं आती, ठीक है। तो अब जहां जहां कुरान में हरूफ़े मुकत्तियात आएंगे तो अगर हर्फ असली मद वाला है तो असली मद करेंगे, और अगर वो मद लाजिम हरफी मुखफ्फ है तो मद लाजिम हरफी मुखफ्फ करेंगे। अब मेरी बात समझ आई आपको,
जिसे समझ नहीं आई वो पूछे, बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने की, समझ नहीं समझा हुआ हमने तो हमें अभी एक प्रोसेस लग रहा है पूरा समझने का, तो जो बात समझ नहीं आई वो दोबारा पूछे मुझसे। मैम आप ये कह रही हैं कि जब हम तख्ती पढ़ते हैं तो उसमें जिस तरह वो कुरानी कायदे में छोटा सा लिखा होता है बालिफ बा तालिफ ता, तो इन सब के साथ मदात हैं लगी हुई, और जिसमें या मदात लगी हुई नहीं है, मदात लगा हुआ होना क्या होता है, मद कोई चीज नहीं है, मद अल्फाज के मिलने से, हरूफ के मिलने से अल्फाज के पढ़ने का तरीका है, ठीक है। जब आप देखेंगे जो ये जो बा ता सा है ये क्या है, ये हर्फ का नाम है जी, हर्फ की शक्ल है और हर्फ का नाम है। अब जो हर्फ का नाम है, जैसे आप आए ये जो तख्ती है आपकी, एक मिनट रुकिए, किसका माइक खुला हुआ है, कहाँ है नूर जहाँ का माइक खुला हुआ है। मैं असल में तख्ती ढूंढ रही हूँ, कितनी दिलचस्प बात है, अभी तक अलीफ़े की तख्ती नहीं निकली मैम, ये कॉलस इसमें मेरा ख्याल है मिलेगी भी नहीं। अच्छा चले कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी कायदा हो आप उसमें देखें, हर हर्फ का जो है ना साथ लिखा होता है, जैसे अलीफ के साथ अलीफ, बे के साथ बे अलीफ बा, ते के साथ ते अलीफ बा, तो ये असल में हुरूफ के नाम है। अब जो लिखे हुए हैं उनमें जिनकी साथ अलीफ है, इनके वो दो हर्फी हैं, तो उनमें कुदरती तौर पर मद्दे असली है, उन्हें दो हरकतों के बराबर लंबा करेंगे। अब जिनमें तीन हरूफ हैं और उनमें मद वाला हर्फ दरमियान में आ रहा है, उन पर छह हरकतें होंगी, सादा सी बात। सही, जीम सीन शीन जी, इसमें दरमियान में ना हर्फ मद है जी जी जी, बेफिक्र लोगों को बताएं, जिसे समझ नहीं आया वो बताएं, बोले ही वो जिसको समझ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। यहाँ पे जी बाकी सब पे तो जो आपने बताए उन पे कलमा के मत के साइन बने हुए हैं ऊपर सारे, तो ये जो सबसे पहले अल आन, तो इसमें मत के ऊपर साइन नहीं है, इसकी सबके ऊपर साइन होता है जिसे पहचानी जाए। असल में साइन हम ना गैर अरबों के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, अगर आप अरबी कुरान देखेंगे तो आपको साइंस कम मिलेंगे, बल्कि मद वगैरह के साइन मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कहाँ मद करनी है, ठीक है। तो अल आन आमतौर पर हमारे कुरानों में जब लिखा जाता है ना तो हमजा के ऊपर मद डाल देते हैं, तो पता चल जाता है अल आन, इन्होंने वो नहीं डाली, इससे आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो हमारे कुरानों में बहरहाल सबके साथ साथ जो है ना मत डाल देते, आमतौर पर सबके साथ मत होती है, ठीक है। मेरे पास पे भी अरबी मुसफ लिया है, मुझे उसको पढ़ने में मुश्किल हो रही है। आपने क्यों लिया वो, अलहुदा वालों ने लाजमी कर दिया कि आप ये इसी पे पढ़े इसी पे सीखे। चले वो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ पढ़ाएंगे तो फिर आप फेमिलियर हो जाएंगे, जहाँ कोई मुश्किल हो पूछ लीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट। बाकी ये है कि मसफ हमारा अपना भी बड़ा अच्छा है, कोई खराबी नहीं है हमारे लिए, चूंकि हम गैर अरब हैं तो उन्होंने साइंस बना दिए हैं, और उसमें नून कुतनी भी नहीं है तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई समझने में ना उधर। कोई बात नहीं, जब उन्होंने लगवाया है तो वो आपको इंशाल्लाह उसको पढ़ने के लायक भी बना देंगे।
हाँ आपको काम करना पड़ेगा जी। इफ़त अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी आपने ये जिसकी डेफिनेशन हमें बताई है ये मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ्फ है, लेकिन वो पहला वाला जो है वो मद्दे लाजिम कलमी मुखफ्फ है, तो हम लोग इसको फिर इसका नेम हर्फी ही लिखें। आपकी आवाज आखिर में कट गई, दोबारा कहिएगा। मैम ये जो आपने डेफिनेशन अभी बताई है ना जिसकी, ये मद्दे लाजिम कलमी मुखफ्फ है या हर्फी मुखफ्फ है, क्योंकि जो आपने शेयर की हुई है मद्दे लाजिम की इकसाम की का पेज, मैंने हर्फी मुखफ्फ की है। मैं समझ गई, हर्फी मुखफ्फ की है। इसमें आप सही कह रही है, तरतीब मुख्तलिफ है, मैंने खुद इस तरीके से आपको करवाया है। उसकी रीजन ये है कि हर्फी मुखफ्फ समझ आएगी तो कलमी मुखफ्फ आसान हो जाएगा। जी ठीक ठीक है, ये हर्फी मुखफ्फ है। अलान कलमी मुखफ्फ की मिसाल है, लेकिन चूंकि उन्होंने सवाल कर लिया था तो मैंने इससे मना नहीं किया। ये आपको ये इस पेज पर जो आपके सामने खुला हुआ है जी, ये तीसरे नंबर पर हर्फी मुखफ्फ ये मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? जी ठीक, जी ठीक। हर्फी मुखफ्फ हरूफे मुकत्तियात में हर्फे मद्दा के बाद सकून हो, यानी के कुरान के जो अल्फाबेट हैं उसके अलग अलग लेटर्स में जब उनके नाम को आप देखें उनमें हर्फे मद्दा आए और बाद वाला हर्फ साकिन हो तो उस पर हम तूल करते हैं, यानी छः तूल है का मतलब छः हरकतों के बराबर लंबा करते हैं। और ये उन्होंने कुछ मिसालें काफ की दी है, हा और मीम की दी है, कुछ मिसालें मैंने आपसे भी डिस्कस की हैं। तो ये हमने तीसरे नंबर वाली डेफिनेशन पढ़ी है, कलमी मुखफ्फ बाद में पढ़ेंगे, अभी हम हर्फी मुखफ्फ पढ़ रहे हैं, यानी लेटर्स जिनके ऊपर हम मद करेंगे लंबी वाली तूल वाली छह हरकतों की, उस सूरत में जब उन पर सकून हो। जी ठीक। अब हम अगली किस्म देखेंगे और वो है मद्दे लाजिम हर्फी मुसक्कल। मुसक्कल इसको मुस्कल नहीं पढ़ना, मुसक्कल। काफ के ऊपर शद है, मीम पर पेश है, सा पर जबर है, मुसक्कल। या सकील का लफ्ज आप पढ़ते हैं ना, ये खाना बड़ा सकील है, देर से हजम होता है, तो भारी को कहते हैं, वजनी को कहते हैं। वही मामला है, हरूफे मुकत्तियात में हरफे मद्दा के बाद तशदीद हो, तशदीद हो तो भी हम तूल करते हैं, ठीक है? हरूफे मुकत्तियात में हरफे मद्दा के बाद तशदीद हो तो भी तूल करते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम में, लाम पर वैसे तो आप देखते हैं जो सूरह बकरा की शुरू में है अलिफ लाम और मीम, तो लाम जो है जब मीम के साथ मिलता है, मीम के ऊपर आप देखें तो शद होती है, तशदीद होती है, तो फिर हम लाम को लंबा करते हैं, वरना लाम को लंबा करने की इस तरह जरूरत नहीं पड़ती, उसके ऊपर आप देखें खड़ा जबर होता है, तो खड़े जबर के बराबर लंबा करना चाहिए ना, दो हरकतों के बराबर, मगर हम ऐसा नहीं करते, हम उसको जब वो मीम के साथ मिलता है तो लंबा करते हैं, अलिफ लाम, लाम और मीम को बराबर लंबा करते हैं। क्यों करते हैं लाम को इतना लंबा, जबकि लाम के ऊपर जो है वो खड़ा जबर है, लाम को हम इसलिए इतना लंबा करते हैं कि लाम और मीम जहां इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर शद है, तो ये है जी हर्फी मुसक्कल, ठीक है जी। किरण कहिए। डेप्यूटी इधर फिर गुन्ना भी होगा, मीम मीम मुशद्दद हो गया तो गुन्ने की साउंड भी आएगी, होगा लाम, ये जो है ये गुन्ने की है, वरना लाम मीम कर देते ना, लेकिन हम ऐसे नहीं करते। ठीक कर लाम, इस पर मीम पर हम गुन्ना करते हैं, फिर हम आगे मीम पढ़ते हैं, बिल्कुल गुन्ना हो, ठीक है? तो हर्फी मुखफ्फ और हर्फी मुसक्कल सेम चीज है, फर्क किस बात का है? अगर हर्फ के अंदर, लेटर के अंदर हर्फे मद्दा आए और उसके बाद सकून हो, जज्म हो, तो छह हरकात करेंगे लंबा, और उसे कहेंगे हर्फी
मुखफ्फ। और अगर हर्फ में अल्फाबेट में हर्फे मद हो और हर्फे मद के बाद शद हो तब भी हम 6 हरकात लंबाई करेंगे, अलबत्ता उसे कहेंगे हर्फी मुस्तकबल। उसूल एक ही है लेकिन रीजंस अलग अलग हैं। हर्फे मुखफ्फ की रीजन ये है हर्फे मद्दा के बाद सकून आ गया, और मुस्तकबल की रीजन ये है हर्फे मद्दा के बाद शद आ गया। दोनों पर करेंगे क्या तूल, 6 हरकतों के बराबर लंबा करेंगे। हर्फी मुखफ्फ आपको बहुत मिलेंगे, हर्फी मुसक्कल एक दो ही, ठीक है। आप बताएं जी, ये थोड़ा सा मेरा हो गया, ये कंफ्यूज हो गया, मिक्स हो गया। क्या कंफ्यूजन हुई? ये हम पहले वाली आप बता रही थी मद्दे लाजिम कलमी मुखफ्फ, उसमें नून की आप मिसाल दे रही थी, लेकिन फिर ये जो दूसरी किसी ने सिस्टर ने पूछा तो आपने कहा नहीं ये मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ्फ है जिसमें हरूफ मुकत्तियात शामिल होंगे। मुखफ्फ की मिसाल नहीं मैं दे रही थी, मैं हर्फी मुखफ्फ ही पढ़ा रही थी, हर्फी मुखफ्फ की दे रही थी आप जिसमें हरूफ। जी ठीक है, वो नहीं पढ़ा मैं, आपको कहना भूल गई, आप लोग ऊपर देखते रहे, इट्स माय मिस्टेक। मैं असल में आपको ये पढ़ा रही थी, मुझे बताना चाहिए था कि मैं नंबर 3 वाला आपको पढ़ा रही हूँ, पहले पढ़ा रही हूँ। जी ठीक हो गया, मैं नंबर 3 और नंबर 4 करवा रही हूँ आपको। अच्छा ठीक है, सही है, ठीक हो गया। नंबर 3 हमने पहले किया है। हाँ जी ठीक है, हमने मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ्फ पहले किया जिसमें हमने हर्फी मुकत्तियात किया है और मद्दे लाजम हर्फी मुसक्कल किया है, कहा भी मैंने यही है, लेकिन बस मैंने ये मेंशन नहीं किया, इट्स माय फॉल्ट कि ये तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर है। जी वो हम अरेंजिंग ऑर्डर के हिसाब से, मेरे ही गलती हुआ कि मैं पहले वाले पे नाम पे गौर करती रही। डेफिनेटली वो पेज के ऊपर इस तरह था ना, ऑर्डर ऐसे था, तो आपका सोचना बिल्कुल सही है लेकिन वो बस मिस हो गया मुझसे कहना। जी ठीक हो गया, सही हो गया, ठीक है। और इसमें भी दूसरे वाले में भी हरूफ मकत्यात ही हैं, मुसक्कल वाले भी, असल में लेकिन दोनों का ताल्लुक जो है अलिफ बे के हरूफ तहज्जी के साथ है। तो कुरान में अलग अलग हरूफ तो सिर्फ मुकत्यात में खराब होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, सॉरी आप लोग बीच में मत बोले। अच्छा जी मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ्फ और मद्दे लाजिम हर्फी मुसक्कल, इन दोनों का ताल्लुक हरूफ तहज्जी के साथ है। अब कुरान में तो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ना ज्यादा, हरूफ का इस्तेमाल सिर्फ मुकत्तियात में हुआ है, इसीलिए जब इनको डिफाइन किया जाता है कुरान में तजवीद के एतबार से तो साथ एक शर्त लगाई जाती है कि हरूफ मुकत्तियात में जब ऐसा होगा, क्योंकि ये हैं ही हरफों से मुतल्लिक तो ये सिर्फ हरूफ मुकत्तियात को एड्रेस करते हैं, ये और कहीं इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। तो अगर हरूफ मुकत्तियात में हरफ मद्दा के बाद सकून हो तो मद्दे हरफी मुखफ्फ होगी, और अगर हरूफ मुकत्तियात में हरफ मद्दा के बाद तशदीद हो तो हरफी मुसक्कल होगी। ये बात अब समझ आई आपको? जी अब आगे समझ, इसी यानी हरूफ मुकत्तियात में हैं ऐसे हरूफ जिनमें शद भी डली हुई है, जैसे अलिफ लाम मीम ही है और अलिफ लाम मीम रॉ भी है, इनमें मीम पे शद है दोनों में, शद वाले हरूफ मुकत्तियात, और एक तौसीन मीम भी है इसमें भी शद है, तो ये वाले जो है ये मुसक्कल में आ गए हैं। ये मुसक्कल में कैटेगरी, अगर मुसक्कल ना होते तब भी इन्होंने पानी थी
छह की ही मद, लेकिन रीजन अलग अलग हो गई इस वजह से हम इन्हें अलग अलग आइडेंटिफाई करते, ठीक है ना? ठीक है। अब लेकिन इसमें ये छह छह काउंट दो हो जाए, यानी जो सीन तवा सीन और मीम है, और इसमें सीन के ऊपर हरफी मुखाफा बन के छह काउंट हो रहा है और मीम के ऊपर मुसक्कल बन के छह काउंट हो रहा है, छह छह काउंट हो जाएंगे, बारह काउंट हो जाएंगे, ऐसे है? अच्छा ऐसे है कि सीन वैसे भी छह काउंट का ही है, मीम भी छह काउंट का, लेकिन जब हरफी मुकत्तियात में आ रहे हैं तो आपको साथ ये आइडेंटिफाई करना है कि आप छह काउंट क्यों दे रहे हैं, सकून की वजह से दे रहे हैं या शद की वजह से दे रहे हैं। अगर सकून की वजह से दे रहे हैं तो हरफी मुखफ्फ होगा, शद की वजह से दे रहे हैं तो हरफी मुसक्कल होगा। सही, रीजन फर्क हो सकती है, काउंट तो छह ही देने पड़ेंगे क्योंकि ओरिजिनली उनके अंदर है ही छह काउंट। बिल्कुल, ये भी बता दें कि ये भी लहने जली में आ रहा है या ये बस तिलावत की खूबसूरती है? अगर लहने जली ना होता तो मैं पढ़ाती क्यों? मैं आपको भी अपने आप को भी आजमाइश में क्यों डालती, क्योंकि मद का यही पोर्शन मुश्किल है। मुश्किल पता है क्यों है? वैसे बेसिकली मद का ये पोर्शन बहुत आसान है क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके होते हैं अलिफ बे में, अगर हमने अलिफ बे की तख्ती सही पढ़ी, मगर चूंकि हमने हरूफ तहजी की तख्ती ही सही नहीं पढ़ी होती, इसी वजह से हमें ये मुश्किल लगता है। तो चूंकि ये मिलते जुलते होते हैं तो इसलिए ये कंफ्यूज करते हैं जी, क्योंकि ये बहुत लंबे बन रहे हैं तो इतनी तो हम लोगों की अभी तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं, ये छह छह काउंट कहाँ निकल रहे हैं हमारे, तो सांस छह काउंट से पहले खत्म हो जाना। देखिए मद का पूरा करना तो जरूरी है, अगर आप मद पूरा नहीं करते तो ये बड़ी गलती होने से लहने जली में से जी, मैंने इसलिए पूछा था कि माने पर फर्क पड़ता है। अल्लाह अकबर जी। अच्छा जी, अब ये बताएं हर्फी मुखफ्फ और हर्फी मुसक्कल समझ आ गया? जी मैम। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो आप पूछ लो। मैम मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा प्लीज। हेलो जी। जी मैम, ये जो मद लाजिम हर्फी मुसक्कल है, ये आपने कहा कि मद के बाद शद हो लफ्ज के ऊपर तो फिर हम उसको करेंगे, तो वो जो लफ्ज है जिस तरह हम आयशा ने भी कहा कि अलिफ लाम रा भी है, तो वो कोई सा भी लफ्ज हो सकता है या उसके लिए भी हम उस लफ्ज को मजीद खोल के जिस तरह हमने हर्फी में उसको खोल के एक्सप्लेन किया था, तो उस तरह इसको करेंगे हम डिफाइन? नहीं, पहली बात तो इसमें लफ्ज आएंगे नहीं, इसमें सिर्फ हरूफ मुकत्तियात आएंगे। पहली बात ये समझ लीजिए, हरफी मुखफ्फ और हरफी मुसक्कल का अल्फाज से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ हरूफ मुकत्तियात को एड्रेस करते हैं। तो जो आपकी 14 सूरतों से पहले हरूफ मुकत्तियात आते हैं वो हरूफ मुकत्तियात जो है, ठीक है, उनमें जिन पर बड़ी मत का साइन आपको मिल जाता है उन पर आप बड़ी मत करते हैं। क्यों करते हैं? दो रीजंस होती हैं, या हरफे मद के बाद सकून आ रहा होता है तो आप छह हरकात की मत कर रहे होते हैं, और या हरफे मद के बाद शद आ रही होती है इसलिए आप छह हरकात की मत करते हैं। अगर सकून की वजह से छह हरकतें दी हैं तो ये हरफी मुखफ्फ है, अगर शद की वजह से दी हैं तो हरफी मुसक्कल है। इनका ताल्लुक सिर्फ मुकत्तियात के साथ है, इनका ताल्लुक किसी मद के साथ नहीं है। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये जो है ना, अब ये बड़ी मजे की बात है, ये नाम बड़े भारी भारी हैं, ये बेचारी बड़ी मासूम मद्दे हैं, जैसे हर्फी मुखफ्फ और हर्फी मुसक्कल जो है ना, ये आपको कभी परेशान नहीं करती। वजह, इनका ताल्लुक मुकत्तियात के साथ है, 14 जगह पर गिने हुए हर्फ, उनको दो चार दफा देख ले क्लियर हो जाता है। परेशान फिर आकर असल मद करती है, और जो आप पीछे पढ़ आए हैं मद जायज और मद वाजिब, वो कंफ्यूज करती है, वो जगह जगह पर आती है ना, बहुत आती है। ये इन्होंने, इनका दायरा महदूद है, इनके बस नाम बिचारों के ड्राउने ड्राउने हैवी हैवी, मद लाजिम हरफी मुखफ्फ, मद लाजिम हरफी मुसक्कल, बंदा कहता पता नहीं क्या होने वाला है,
कुछ भी नहीं होना जी, इनका ताल्लुक सिर्फ आपके हरूफ मुकत्तियात के साथ है। हरूफ मुकत्तियात अक्सर पारों में दिए हुए होते हैं इकट्ठे करके एक जगह पर, तो उसको आप खोलकर दो चार दफा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और वो क्लियर हो जाएगा, आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब ये जो मद्दे लाजिम कलमी मुखफ्फफ है बाजी, इसकी बारी नहीं आ रही। माइक म्यूट कर लें अपना। जी मद्दे लाजिम कलमी मुखफ्फफ, कलीमा कहते हैं लफ्ज को। अब अल्फाज की बारी आई। पुरानी कलीमे में हर्फ मद्दा के बाद लाजम सकून आ जाए तो उसकी मिकदार 6 हरकत होगी। बहुत मुश्किल जुमला है, आसान कर लेते हैं। अगर किसी लफ्ज में हर्फ मद्दा के बाद हकीकी सकून आ जाए, यानी ऐसा सकून, एक सकून होता है जो हम खुद पैदा करते हैं, हम रोक लेते हैं लफ्ज को, मगर ऐसा सकून हो कि वो हम नहीं रोक रहे, वो है ही हिस्सा, उसके बगैर वो लफ्ज ही नहीं पढ़ा जा सकता, वो रियल पार्ट है उस लफ्ज का, ऐसी जज्म आ जाए तो वहां पर फिर 6 हरकतों की मद होगी। जैसे अल आन में आप देख रहे हैं, असल में ये हमजा है और हमजा पर असल में मद्दे असली थी, मद्दे असली के बाद लाम पर जज्म है अल, हम इस जज्म को हटाकर इसे पढ़ नहीं सकते, आन नहीं पढ़ सकते, हम अल आन ही पढ़ेंगे ना, तो इसकी वजह से ये जो हमजा है ना ये 6 हरकतों का हो गया। यहाँ ये लिखा बहुत बारीक हुआ है, इसलिए भी आपको ऐसे लग रहा है। कुरान में अगर आप देखेंगे ना तो ये बाकायदा मोटी मद होती है, तो हम इसे करते हैं अल आन अल आन, यानी ये हमजा जिसके बाद लाम साकिन आया है और लाम साकिन पर जो सकून है वो सकून हकीकी है। सकून हकीकी क्या होता है? जिसके बगैर लफ्ज पढ़ा ही नहीं जा सकता, ये हमने पैदा नहीं किया, ये हिस्सा है लफ्ज का। तो ऐसा सकून आया इस वजह से ये जो मद्दे हकीकी थी ये बदल कर मद्दे तूल हो गई, यानी कि 6 हरकतों की मद हो गई। इसकी यही मिसाल आपको कुरान में मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी। तो ये है अल आन, ये उसूल बाकायदा है, उस पर पूरा यही उतरता है। इससे आप देखें हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत फरमाई है कि एक एक लफ्ज को आइडेंटिफाई किया, और अगर एक लफ्ज जो है उसका एक अलहदा रूल बन रहा है तो उसे भी बयान किया। ये है मोहब्बत करने वालों के काम। अब ये दूसरी मिसालें आपको चंद एक मिल जाती हैं कुरान में। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, वही बात है, कुरान के लफ्ज में हर्फ मद्दा के बाद शद आ जाए, बात वही है, यहां हर्फ के बाद था यहां लफ्ज के बाद है। अगर किसी लफ्ज में, कुरान के किसी लफ्ज में हर्फ मद्दा के बाद सकून आ जाएगा तो 6 हरकतों की मद होगी, और मैंने अर्ज किया इसका आपको ये अल आन ही मिलेगा कुरान में, ठीक है। लेकिन ये उसूल है, इससे आपने याद कर लेना है, पता होना चाहिए आपको कि अल आन पर भी मद क्यों है, बड़ी मद क्यों है। और अगर कुरान के किसी कलीमे में, यानी कलीमे मतलब लफ्ज वर्ड, किसी वर्ड में हर्फ मद्दा के बाद शद हो तो वहां भी फिर हम मद करते हैं। आप पढ़ते हैं जी दौलीन, क्यों दौ को आप 6 हरकतों की मद देते हैं? दौद जबर अलिफ दौ अलिफ मद और लाम पर शद है, तभी आप दौल दौल पढ़ते हैं। उसी की ये मिसाल दाबा है, अतुहाजूनी, इसी की मिसाल है। तो इसकी कई मिसालें आपको मिल जाएंगी। लदौलून, अगर किसी भी लफ्ज में, कुरान के किसी भी लफ्ज में मद के बाद आने वाले हर्फ पर शद पाई जाए तो 6 हरकतों की मद करेंगे। ये एक ही लफ्ज में होगा, ये दो लफ्जों में नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कुरान के किसी भी लफ्ज में हर्फ मद्दा के बाद आने वाले हर्फ पर
सुकून हो, आहिस्ता करें, तो भी हम छह हरकतों की मद करेंगे, मगर इसकी मिसाल कुरान में अल आन ही है। और अगर कुरान के किसी लफ्ज में हर्फ मद्दा के बाद शद आ जाए, एक ही लफ्ज के अंदर, दो लफ्जों में नहीं ऐसा होना चाहिए, एक ही लफ्ज के अंदर हर्फ मद्दा के बाद शद आ जाए, तो वहां भी हम छह हरकतों की मद करेंगे। इसे कहते हैं कलमी मुखफ्फ, कलमी मुसक्कल, कलीमा लफ्ज को कहते हैं। जी अब बताएं, मुश्किल है? नहीं मुश्किल नहीं है जी। नहीं ठीक है, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने मेरे ख्याल ये बताया इसमें अलआन में कि सुकून वो वाला देखना है जो खुद हम सुकून ना कर रहे हो, तिलावत करते हुए रुक ना रहे हो, सुकून लिखा हुआ हो, जज्म बनी हुई हो उधर। जी जी, सुकून हकीकी कहते हैं ना उसको, यानी वो लफ्ज का अपना सुकून हो। एक तो है ना कि भाई मैं पढ़ रही हूँ जी, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, थक गई हूँ मैं, फीह मैंने कर दिया, वहां सुकून है नहीं, मैंने किया। अब जब मैं पढ़ू, चूंकि वहां जायज है तो मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन मुनासिब है कि मैं पीछे से लेकर चलूं, ठीक है? अच्छा, इवन आगे आ गए हुदल लिल मुत्तकीन, हमने सुकून किया, लफ्ज तो मुत्तकीना है, सुकून किया क्योंकि वहां आयत खत्म हो रही थी। अगर हकीकी सुकून वो होता है जो लफ्ज के अंदर खुद पाया जाए, अगर किसी सबब से आप सुकून कर रहे हैं, वो सुकून नहीं, हकीकी नहीं है, वो सबब से होने वाला सुकून है, समझ गए? जी ठीक है। यानी जोड़ के अंदर इटसेल्फ जहां सुकून है वही सुकून हकीकी है। अगर हमने किसी भी सबब से सुकून किया, कोई जैसे वक्फ लाजम है, वक्फ मुतलक है, आयत है, और उसको हमने उसकी वजह से साकिन किया, तो वो सुकून हकीकी नहीं है। सुकून हकीकी वो होता है जब जज्म आ रही, ठीक है? तो अगर किसी सबब से साकिन करेंगे तो उस पर फिर छह हरकतों की मद नहीं होगी, हकीकी सुकून पर होगी। समझ आई है ये बात? जी आ गई। आयशा मैम ने ये भी बताया है कि ये वाहिद लफ्ज है पूरे कुरान पाक में, सिर्फ एक जी जी, ये जो है ना कलमी मुखफ्फ, हमारे साथ अच्छा उन्होंने किया, हमारी हरमैन की उस्ताजा हैं नवाल, तो उन्होंने हमें कहा कि कलमी मुखफ्फ की मिसालें ढूंढे, ढूंढ ढूंढ के मर गए हम, कुरान में तो मिली नहीं, यानी कि जाहिर है कोई नजर ही नहीं आ रही थी। फिर हमने पारे भी छांटे, उन्होंने हमें दो दिन दिए थे, पारे भी छांटे, एक दूसरे को फोन भी किए, कुछ मिली नहीं रहा, तो बड़े हम अपसेट के हर जगह ये अलान अलान ही दिया हुआ है, कुछ मिलता ही नहीं है। तो फिर बाद में उन्होंने हमें ये सरप्राइज किया कि ये एक ही है, और वाकई इसका कोई और एग्जाम्पल आपको कुरान में नहीं मिलता। एक दो जगहों पर बहस है जो है उनके दरमियान, मगर चूंकि वो कन्फर्म नहीं है तो उसको इसमें शामिल नहीं करते। तो अल आन ही इसकी मिसाल है, लिहाजा आपको हर पारे हर कायदे में अल आन ही की मिसाल मिलेगी कलमी मुखफ्फ की। अलबत्ता कलमी मुसक्कल बहुत सारे हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। अच्छा जी, अब हर्फी और कलमी का फर्क पता चल गया। हर्फी जो डिस्कस करते हैं लेटर्स को, और कलमी जो डिस्कस करते हैं वर्ड्स को। हर्फी का कुरान के अंदर ताल्लुक सिर्फ हरूफ मुकत्तियात के साथ, लिहाजा अगर हरूफ मुकत्तिया में, यानी हरूफ मुकत्तियात में से किसी में हरफ मद के बाद सकून हो, तो हम छह हरकात बराबर लंबा करेंगे और उसे हरफी मुखफ्फ कहेंगे। और अगर हरूफ मुकत्तियात में हरफ मद्दा के बाद शद हो, तो भी हम उसे छह हरकात के बराबर लंबा करेंगे और उसे हरफी मुसक्कल कहेंगे। और अगर कुरान के अल्फाज में से किसी एक लफ्ज में हर्फ मद्दा के बाद सकून हकीकी हो, यानी कि सही जज्म वाला हर्फ हो, तो हम छह हरकात के बराबर लंबा करेंगे और वो कलमी मुखफ्फ कहलाएगा। जैसे अल आना में अल का आज हम छह हरकतों के बराबर लंबा कर रहे हैं। और कलमी मुसक्कल ये है कि कुरान के किसी लफ्ज में हर्फ मद्दा के बाद शद आ जाए, एक ही हर्फ के अंदर, दो में नहीं होना चाहिए, एक ही हर्फ में, तो हम उसे भी
छह हरकतों के बराबर लंबा करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद आपकी सूरह फातिहा की दोलीन है। फिर बाकी बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी, इसकी काफी मिसालें हैं कुरान में। जी, इन चारों में कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपको बात परेशान कर रही हो तो वो आप मुझसे पूछें। नो मैम, समझ आ रही है, बस वही वाली बात है कि नाम ही डराने वाले हैं, बाकी तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम ही डराने वाले हैं। अच्छा, अब ये देखें, मद्दे लाजिम लीन, ये आखिरी सिफत आ गई, किस्म आ गई, और ये वही है जो मैंने आपको पहले ही बताया, आइन और गाइन में मैंने आपको बताया ना कि आइन और गाइन की असल मकदार चार हरकतें, ठीक है, क्योंकि ये लीन है ना, ये मद नहीं है। तो हरूफ मुकत्तियात में हरूफ लीन के बाद सकून हो तो इन पर तूले उला होगा। तूले उला क्या होता है? चार से पांच हरकतें लंबा कर लेना, यानी कि आप चार हरकतें कर ले तो भी ठीक है और पांच हरकतें कर ले तो भी ठीक है। इनमें असल में तूल नहीं है, तवस्सुत है, चार हरकतें, लेकिन इतनी गुंजाइश है कि आगे पीछे अगर तूल आ रहा है तो इसको भी आप पांच हरकतों तक खींच लें कि बैलेंस हो जाए। तो मद्दे लाजिम लीन क्या है? मद्दे लाजिम लीन ये है कि अगर हरूफ मुकत्तियात में हरफ लीन के बाद सकून हो तो उसे हम चार से पांच हरकात के बराबर लंबा कर देते हैं। ये मामला सिर्फ आइन और गाइन पर आता है जी, क्योंकि आइन और गाइन ये दो वाहिद हरूफ तहज्जी हैं जिनमें लीन आता है, बाकी सब में मद है। तो अगर आइन और गाइन किसी जगह हरूफ मुकत्तियात में आए तो गाइन बेचारा नहीं आया, आइन ही आया, तो ये लीन हो गया, तो इसको हम चार से पांच हरकतों बराबर खींच लेते हैं, इसे तूले उला कहते हैं, ठीक है। लिहाजा सूरह मरियम में आता है ना काफ हा या फिर आइन और सौद है, तो सौद पर तो जो मद है वो हरफी मुखफफ है और आइन पर जो है वो मद लाजिम लीन है। आइन सौद, इसी तरह सूरह शूरा का आइन सीन काफ है ना, तो सीन और काफ दोनों की जो मद है वो हरफी मुखफफ है, मगर आइन की मद जो है वो लाजिम लीन है। आइन की मद जो है वो लाजिम लीन है। आइन सीन काफ, तो आइन को हम थोड़ा सा छोटा रखते हैं, एक हरकत बराबर, क्योंकि ये तूले उला है। तूले उला क्या है? पांच, चार से पांच हरकात के दरमियान रखना। मैं फिर दोहराती हूँ, हरूफ़ तहज्जी में दो ही हर्फ हैं जिनमें लीन आता है, वो है आइन और गाइन, उनके नाम लीन वाले हैं, आइन और गाइन। तो आइन और गाइन जो हैं इनकी असल मकदार तवस्सुत है चार हरकत, हम इन्हें तूले उला दे सकते हैं यानी पांच हरकतों तक खींच सकते हैं, चार से पांच हरकत लंबा करते हैं। तो जब आइन या गाइन आ जाए हरूफ मुकत्तियात में तो हम इन्हें चार से पांच हरकत लंबा करेंगे, और चूंकि इनमें सबब मद नहीं है लीन है तो हम इसे मद्दे लाजिम लीन कहेंगे। तो इसकी दो ही मिसालें हैं, एक मरियम की है काफ हा या आइन सौद, और फिर सूरह शूरा की है आइन सीन काफ। तो ये हो गई पांच किस्म, इनमें से कोई चीज समझ नहीं आई तो बताएं। नाम आपको याद करने थोड़े से पड़ेंगे, मद्दे लाजिम तो सारा आपको समझ आ गया, और मुखफफ और मुस्तकल, मुखफफ और मुस्तकल, मुखफफ हल्का यानी जिस पर जज्म हो, मुस्तकल भारी यानी जिस पर शद हो। तो हर्फी और कलमी, हर्फ से लेटर से हर्फी और कलिमा यानी लफ्ज से कलमी। तो मद्दे लाजिम हर्फी मुखफफ, मद्दे लाजिम हर्फी मुसक्कल, मद्दे लाजिम कलमी मुखफफ, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, और मद्दे लाजिम लीन। बस ये डिटेलिंग है ना, इसलिए थोड़ी सी समझने वाली है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुश्किल नहीं है। जिसे कोई बात इन पांचों मद्दात में समझ नहीं आई बेझिझक होकर पूछे।
फील फ्री टू आस्क. चले सबको समझ आ गई. तो आपने इसको देखना है कुरान में, आपने इनकी हरूफ मुकत्तियात को तो आपने पूरा स्टडी करना है, और कलिमे मुसक्कल जो है इसकी आपने 10 मिसालें तलाश करनी है. मैंने पिछली दफा मद्दे वाजिब और मद्दे जायज के लिए कहा था आपने 10-10 मिसालें ढूंढनी है. ढूंढी किस किस को होमवर्क याद रख? जी मैम ढूंढी. मैम मेरी आज आपके साथ पहली दूसरी क्लास, मैंने भी ढूंढ ली है. आप मुझे ग्रुप मैसेज इफ़त करती हैं. चलें आयशा आपसे शुरू करते हैं. आयशा इमरान जी. जी बोलिए, बताइए मिसाल. मद जायज फसल किया है. हुज्जतो ना आतई ना हा. हुज्जतो ना आतई ना हा. तो हुज्जतु ना के बाद अलिफ मद के बाद हमजा आ गया, तो अलिफ मद को लंबा किया गया तवस्सुत वाली मद के साथ, यानी कि चार हरकत बराबर. हुज्जतु ना आतैनाहा. गुड. एक मिसाल और बताएं जायज की. नशाउ. जी नहीं, जी जी ये है कदरी ही इज. कदरी ही इज ही के याए मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलीमे में आ गया, तो ही को चार हरकतों के बराबर लंबा किया. बहुत अच्छे. अच्छा जी, अब मद्द वाजिब की एक मिसाल बताइए. आबाइहिम. आबाइहिम. बा के साथ अलिफ मद है और उसके बाद हमजा आ गया, तो बा को चार हरकतों बराबर लंबा किया. बहुत अच्छे जी. जी और बताऊं? जी जी एक और बताएं. उलाइका. उलाइका. लाम के साथ अलिफ मद है, उसके बाद हमजा आ गया, तो लाम को हमने चार हरकतों के बराबर लंबा किया. बहुत अच्छी आयशा. आप लोगों ने अभी ये भी काम करना है, आपने मुझे दोनों सेंड कर देने हैं, मैं चेक भी करूंगी इंशाल्लाह. इफ्फत आपने किया. अस्सलाम वालेकुम जी मैम. आपने तलाश की मिसालें? जी मद मुत्तसिल वाजिब की और मुत्तसिल जायज. जी जी तो दो दो मिसालें बताएं. 10-10 मैंने कही थी, वो आप मुझे पिक्चर लेकर सेंड कीजिएगा, मैं चेक करूंगी इंशाल्लाह. अभी मैं दो दो पूछूंगी ताकि सब बता सके. जी इफ़त बताइए. जी मैम मद मुत्तसिल वाजिब की बस समा बिना. अच्छा ठीक हो गया. जी जी ये मद वाजिब मुत्तसिल की हो गई, बिल्कुल सही. जी और मुनफसिल जायज की रब्बी अहानन जी जी रब्बी अहानन. याए मद्दा के बाद हमजा आया, तो रब्बी को मद मिल गई तवस्सुत की, चार हरकात की. जी वसाकहु अहद. अच्छा हा पर वाव मद थी और आगे अहद आ गया, उसका हमजा आ गया, तो इसलिए इसे भी तवस्सुत हासिल हो गया. बिल्कुल सही. बारकल्ला फीक. जी और किसने किया है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. जी सोनिया. सोनिया ने सलाम किया. नसरीन. नसरीन जी मैं मेरी आपके साथ दूसरी क्लास है, आपके साथ मेरी दूसरी क्लास अभी शुरू हुई है, तो आपका मैसेज भी मुझे ग्रुप में नहीं आता, तो मुझे फिर मैं इफ्फत से कहती तो इफ्फत मुझे करती है मैसेज ग्रुप में मेरा. आप मैं शायद शामिल नहीं हूँ आपके ग्रुप में, एक तो जरा आप चेक कर लीजिएगा. जी मैम. जी जी मेरी आवाज आपको आ रही है?
हाँ जी अभी आप आ रही है आपकी आवाज। अच्छा नसरीन आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी इसलिए मैंने हेडफोन लगाए, अब बताएं आप क्या कह रही थी। मैं ये कह रही थी मैम मेरी आपके साथ दूसरी क्लास है, मैं शायद आपके ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, आप जरा प्लीज चेक कर लीजिए क्योंकि मेरी मैं लेट शायद आपकी क्लास में दोबारा यहाँ आई हूँ, क्योंकि पहले जब मैं थी तो वो क्लास कम दे के मैंने पीछे हट गई थी, दो दिन बस क्लास होती थी तो आपका ही मुझे पता नहीं था कि दोबारा मिस नूरीन के पास जब गई हूँ तो माशाल्लाह एक माह तकरीबन हो गया मुझे क्लास लेते हुए, तो आपकी मेरी इसके साथ दूसरी क्लास है तो आप मुझे ग्रुप में जरा शामिल कर लीजिए ताकि मैं आपकी खुद ही क्लास ले लिया करूँ, मुझे इफ्फत को कहना ना पड़े। कोई मसला नहीं नसरीन, आप मुझे एक बार मैसेज आज कर दीजिएगा अस्सलाम वालेकुम या कुछ भी लिखकर, तो मैं मुझे आपका नंबर पता चल जाएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगी, कोई इशू नहीं जी। बाकी ये मेरी आप मुनफसिल और मुत्तसिल की मैं मसाले आपको सुनाती हूँ जी। प्लीज सूरत आराफ में से मैंने किया वजा अस्सहरात मुत्तसिल जायज वाजिब जी। जा बिल्कुल सही और मुत्तसिल की और भी बताती हूँ, बई दुआ बहुत अच्छे, बई दुआ बिल्कुल सही जी। अब इसराइल जी, इसराइल बिल्कुल सही, आप हाँ, जायज मुनफसिल की बताइए। हाँ जब बी आया आयतिना इला बहुत अच्छे माशाल्लाह। आगे पालू अर्जी बहुत अच्छे माशाल्लाह। फलम्मा अल्कौ बहुत अच्छे, बारक अल्लाह फीक नसरीन, बहुत अच्छी मिसालें बताई आपने, बारक अल्लाह फीक जी। सोनिया बेटे इट्स योर टर्न नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। मध्य वाजे मुतसल की है वल मलाइकाती माशाल्लाह। और मा जाअतहुम बहुत अच्छे। या उलिल अलबाब बहुत अच्छे। और असुफहाउ असुफहाउ बिल्कुल, अब जायज मुनफसिल की बताइए। मा अंजलना बहुत अच्छे बारकल्ला बिल्कुल। अबा आना आबा आना एक ही लफ्ज है बेटे, ये वाजिब मुत्तसिल है। ओके फी अरहामिहिन्ना बहुत अच्छे बहुत अच्छे बारकल्ला। कालू इन्ना लिल्लाहि इन्ना इल्लाही, लाम के जब इसमें जलाला के से पहले जेर आ जाए तो वो बारीक हो जाता है इल्लाही। Okay. हाँ आपने मिसाल बिल्कुल सही निकाली माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम सोनिया, वेरी वेल डन जी। और किस किस ने किया है? ईला वसीम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। ईला जी मद्दे वाजिब मुत्तसिल की मैं बता रही हूँ, सू अल अजाब वस्समाई वत्तारिक वत्तराइब अब जायज अच्छा अब जायज की अरसलना इलैहिम बहुत अच्छे ताकुलू अम्वालहुम बहुत अच्छे इन्ना आतोइना कल कौसर बहुत अच्छे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वेरी वेल डन जी। और किसने किया जी? किरण मध्य वाजिब मुत्तसिल की सवा उन लिसाइलीन बहुत अच्छे लाइकती बहुत अच्छे जी। जायज मुनफसिल की तदऊना इलै बहुत अच्छे
इला तज़क्का बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे बीमा उंजिल जयद जयद बहुत अच्छा वाखिज़ना इन बहुत अच्छे माशाल्लाह जी किरण आपने बहुत अच्छी कोशिश की और सारे बहुत अच्छी मिसालें ढूंढी जी नगमाना अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह मद्दे वाजिब मुत्सिल के जी यशाउल्लाहु बहुत अच्छे अहवा अहम बहुत खूब अब जायज मुनफसिल फफना अब वाबा तर्जिउनहा इन बहुत अच्छे बहुत अच्छे जयद जयद बहुत अच्छे नगमा जी हिना मैम सूरह मायदा में से मैंने निकाली थी जाउका मद्दे मुत्तसिल की फिर शुहदा और फिर अहवा अहम जी जायज मुनफसिल और फिर जायज मुनफसिल में अला आसारिहिम फिर इन्ना अंजलना और फिर बीमा अंजलल्लाह बेमानी बीमा जी बीमा बीमा अंजलल्लाह बहुत अच्छे माशाल्लाह जयद जयद जी और किसी ने किसी और ने किया हो और वो सुनाना चाहे तो क्यों खींच रही थी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी शहनीला जी सूरह बकरा में से मैंने की थी मदे वाजिब मुत्तसिल की निसाइहिम बहुत अच्छा फुरूइन फाउलाइका बहुत इस्राइल जी जी बहुत अच्छे अब सूरह जायज मुनफसिल जायज मुनफसिल में यहफा अला تتخذوا آيات الله تسترضعوا أولادكم واعلموا أن الله بہت 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 اچھا آپ نے کیا شہنیلا جید بارک اللہ فیک اگر کسی اور کا ने किया हो काम और वो सुनाना चाहे दिखाना चाहे तो वो आ सकते हैं बहुत अच्छा किया जी आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की अब इस बार आपने क्या करना है इस बार आपने ये करना है कि जो हरूफ मुकत्तियात है उसके पूरे टेबल को देखना है आपकी तीन मद्दे तो उसी पे क्लियर हो जाएंगी हरफी मुखफ्फ हरफी मुसक्कल और मद्द लाजिम लीन ये तीनों तो उसी में क्लियर हो जाएंगी और जो कलमी मुखफ्फ है उसकी आपने याद करना है और आपने खुद भी देखना है कि कोई और लफ्ज मिलता है आपको कलमी मुखफ्फ का और जो कलमी मुसक्कल है उसकी आपने 10 मिसालें तलाश करनी जहां से चाहे कर ले ठीक है तो इंशाल्लाह ये मद्दात का मौजू आपका क्लियर हो जाएगा अच्छा जी अब किसी को क्लास के अटेंड करने में कोई दिक्कत पेश आई हो यानी आपकी जो प्रैक्टिस क्लास है मैं उसका पूछ रही हूँ क्योंकि पिछली बार एक दो बहनें कंप्लेन कर रही थी कि उनको कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो ऐसे तो मैंने कहा था कि मैं इसको देखती हूँ और अगर कोई दिक्कत हो मुझे इन्फॉर्म करें इन्फॉर्म तो मुझे किसी ने नहीं किया जिसका मैं यही मतलब निकालूंगी कि कोई दिक्कत नहीं हुई तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो फर्दर अपनी प्रैक्टिस क्लास में या टीचर से रब्ता ना हो या सम टाइम होता है कि उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और आप अपसेट हो रहे कुछ भी ऐसा तो मुझे बताएं बाज़ुकात जो है छोटे छोटे नंबर्स गलत होते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से दिक्कत आ रही होती है तो यू शुड आस्क पिछला लेक्चर भी और ये लेक्चर भी मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी और ये आपको मिल जाएगा ठीक है फिक्र नहीं करनी कोई सवाल पूछना चाहे कोई बात कहना चाहे
मैम आपने किसकी 10 एग्जांपल्स ढूंढने को कही हैं? मध्य लाजिम पांच है ना, कलमी मुसक्कल, आप उसके सिवा ढूंढ ही नहीं सकते किसी की। हर्फी मुखफ्फफ, हर्फी मुसक्कल और मध्य लाजिम लीन, ये तीनों मध्य तो कवर हो जाएंगी। आप हरूफ मुकत्तियात के टेबल को निकालें और उस पर गौर करें और उसी में देख लें कि कौन कौन सी हर्फी मुखफ्फफ है, कौन सी मुसक्कल है और कौन सी मध्य लाजिम लीन है। ठीक हो गया जी। और जो है आपकी कलमी मुखफ्फफ जरूर उसको कुरान में देखें, आपको अलान के सिवा कोई एग्जाम्पल मिले तो ढूंढ लें। और जो है असल काम कलमी मुसक्कल का है, उसकी 10 मिसालें आपने तलाश कर ली जी, ये आपको पूरे कुरान का दौरा करा देगी इंशाल्लाह जी। मैं यही पूछने लगी थी, आपने खुद ही बोल दिया आखिरी जुमला कि ये मिल जाएंगी 10, क्योंकि जहां तक मेरे माइंड में आ रहा है और मैं थोड़ा सा देखा भी है अभी कि सिर्फ दौलीन दौलून हाथ जूका या हाथ जाका, यानी कि सेम ही वर्ड डिफरेंट फॉर्म्स में है, तो पूरे कुरान का मुझे लगता है दौरा होगा, फिर पूरे कुरान का दौरा भी होगा और बेशक यानी रूट एक है लेकिन शक्लें अलग हो जाती है ना जी, तो इनको अलग वर्ड काउंट कर लें फिर। बिल्कुल करें, बिल्कुल जैसे हाथ अलहदा है, मतलब अलहदा है, चाहे आलू हो दोनों हैं तो अलग अलग। सही है, ओके जज़ाकअल्लाह जी। और कोई बात? अल्लाह रब्बे करीम आप सबको बेहद खुश रखे, बेहद आसानियां दे आपके इल्म में, अमल में, जिंदगी में, हर चीज में जो है तरक्की दे। और अल्लाह रब्बे करीम हमारी औलादों को बेहतरीन मोमिन बनाए और हमें भी, और हर फितने से बचा के रखे, आमीन। आप सबके लिए बेशुमार दुआएं, बेशुमार मोहब्बतें, अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين ثم امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه وازواجه وامته اجمعين آمین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کیا کرنا ہے؟